कथरी रोड पर नीलाम घर में लगने वाली आग पर दो घंटे बाद काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक तेज हवा की वजह से आग बुझाने में दुश्वारी का सामना रहा। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। पाबंदी के बावजूद ऑनलाइन पतंग फरोशों का ग्रोह सरगर्म। पतंग फरोशों ने नया तरीका ढूंढ निकाला। मंचलों के लिए ऑनलाइन पतंगे और चरखियां खरीदे जाने के लिए शॉपिंग ऐप पर मौजूद। साइबर क्राइम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। नवाज शरीफ का इसरार, मेडिकल बोर्ड का इकरार। सख्त सिक्योरिटी में सर्विसेज अस्पताल से कोटलकपत जेल मुंतकिल। साबिक वजीर आजम ने PIC मुंतकिल होने से इनकार किया। आज अस्पताल में छठे रोज जेल जाने का इसरार किया। नवाज शरीफ के दिल के टेस्ट ना हो सके। बनाए हुए बोर्ड की ये फाइंडिंग्स थी, रिपोर्ट्स थी कि मियां साहब को दिल का अर्जा लाहक है और मियां साहब को जो तकलीफ है वो प्राइमरीली बेसिक जो उनका इशू है वो दिल का है, हार्ट का उनको इशू है। अब चार दिन से मैं आ रही हूँ यहाँ पर, मियां साहब को रखा हुआ था तो मियां साहब उनको कह रहे थे कि अगर ये नॉन सीरियस आपका एटीट्यूड है हुकूमत का तो मुझे आप वापस जेल ले जाएं। अब वो उनको कह रहे थे कि आप PIC चले, तो जेल से PIC से वापस जेल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल, और अब वो PIC लेके जा रहे थे। तो हमें ये रहन की भीख नहीं चाहिए। नवाज शरीफ की तस्दीक की जा रही है। 6 दिन सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल बोर्ड क्या करता रहा। मियां साहब को ये लोग खुद जेल से लाए थे। हमें रहम की भीख नहीं चाहिए। हुकूमत से इलाज की कभी दरखास्त की है न करेंगे। एक रात सीने में तकलीफ हुई, आवाजें दी मगर कोई ना आया। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बिस्तर मर्ग पर पड़ी मेरी वालिदा का भी मजाक उड़ाया गया। जुल्म की रात छोटी मगर पकड़ बड़ी होती है। मरियम नवाज। डॉक्टर्स ने कहा नवाज शरीफ को मजीद अस्पताल रखने की जरूरत नहीं। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को डिस्चार्ज किया। PIC की टीम जेल में भी मुआयने करेगी। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल, वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ पतली गली से लंदन जाना चाहते हैं। कौन सा दिल का मरीज कबाब और समोसे खाता है। मुआयने में गुर्दे में पथरी निकली। उमर डार बोले मुझे क्यों निकाला की तरह बीमारी शो भी फ्लॉप होगा। सानिहा साहिवाल तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मकतूलीन के लवाहिकीन ने GIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बैरिस्टर एहतशाम कहते हैं CTD मकतूलीन पर दर्ज FIR खारिज करे। 6 अहलकारों के अलावा दीगर मुलजमान की भी निशानदही की जाए। अगर इंसाफ ना मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जीशान से मुतालिक जो सबूत हैं हमें भी दिखाए जाएं। सानिहा साहिवाल तहकीकात का सिलसिला जारी। गिरफ्तार CTD अहलकारों का फोटोग्रामेट्री टेस्ट लिया गया। GIT को मौसूल होने वाली वीडियोस का अहलकारों के साथ मवाजना किया गया। मोबाइल फोटेजेस में मौजूद अफराद की निशानदही और तस्दीक हो सकेगी। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी टेस्ट की रिपोर्ट आइंदा चंद रोज में GIT को फराहम करेगी। आमदन से जायद असासाजात और ऑफशोर कंपनियों का मामला। नैब में गिरफ्तार अब्दुल अलीम खान की एहतसाब अदालत पेशी। 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अब्दुल अलीम खान ने 60 करोड़ रुपए की 900 के नाल राजी ली। 2003 में 1.5 करोड़ का घर खरीदा। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, हम 878 मिलियन रुपए के असासे जाहिर कर चुके हैं। प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है, इन बुनियादों पर रिमांड नहीं बनता। वकील अलीम खान के रिमांड देने की मुखालिफत। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी पर नैब का एलामिया। तर्जुमान नैब कहते हैं चेयरमैन नैब से नाराजगी पर गिरफ्तारी का तासुर गलत है।
चेयरमैन नैब ने अपनी सारी जिंदगी कानून के मुताबिक गुजारी। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी मेरिट और शवाहिद की बुनियाद पर की गई। वज़ीर-ए-आला ने काबीना का इजलास आज बुला लिया। नया बल्दियाती निज़ाम हाउसिंग मंसूबा PKLI एक्ट की मंजूरी पर गौर होगा। प्रोविंशियल मोटर व्हीकल बिल, रेड जोन बिल भी एजेंडे में शामिल। मशरकी बाईपास की जमीन से मुतालिक भी अहम फैसला मुतवक्के। PHA में अजब करप्शन की गजब कहानी। शजरकारी के नाम पर खजाने को 5.25 करोड़ रुपए का टीका। बोगस अदायगियों के बिल बनाकर पैसे हड़प कर लिए गए। PHA अफसर की दरखास्त पर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में ओपन लेटर पर 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का इंकशाफ। गाड़ी ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। एक्साइज हुकाम ने पंजाब हुकूमत को तजवीज दे दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शिकस्त के बाद जनूबी अफ्रीका से वतन वापस पहुंच गई। कौमी टीम कतर एयरलाइन की परवाज 622 के जरिए वतन वापस पहुंच गई। हसन अली बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और फील्डिंग कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंचे। दौरा से मुतालिक हेड कोच मिकी आर्थर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहरिया टाउन में लाहौर बार एसोसिएशन के अहदेदारान के एजाज में इशाइये का अहतमाम एडवोकेट मुनव्वर अली भट्टी की जानिब से किया गया। सदर लाहौर बार एसोसिएशन आसिम चीमा, सीनियर नायब सदर एजाज बसरा, जनरल सेक्रेटरी मलिक आसिम अली खोखर, मकसूद खोखर और मलिक अदील एहसान समेत दीगर वकला की भी शिरकत। बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान की जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश। मुस्लिम टाउन में मौलाना जफर अली ट्रस्ट ने नुमाइशी तकरीब सजाई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खुसूसी शिरकत की। कहते हैं हमारे बुजुर्गों की आजादी के लिए जिद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। दस्तावेजी फिल्म में मौलाना जफर अली खान की आजादी के लिए जिद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया गया। और मायूसी इंसान को नाकामी की तरफ ले जाती है। नौजवान मुश्किलात से घबराए ना, डट कर मुकाबला करें। जिंदगी कामयाब होने के बहुत से मौके देती है। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शुआरा मुफ्ती का एमए कॉलेज में तुलबा को लेक्चर।